हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। चार WWE सुपरस्टार जो इस साल रॉयल रंबल मैच में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, WWE रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट बहुत लंबे समय से फैंस का मनोरंजन करता आ रहा है। यह इवेंट इसलिए भी दिलचस्प होता है क्योंकि इसमें होने वाले रॉयल रंबल मैचों में पता नहीं होता कि किस नंबर पर कौन सा सुपरस्टार एंट्री लेने वाला है। इस बीच सुपरस्टार एक दूसरे को एलिमिनेट करते हुए अंत तक रिंग में डटे रहने की कोशिश करते हैं। इस मैच में हर बार कुछ ऐसे रेसलर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन करने में सफल रहते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन चार WWE सुपरस्टार के बारे में जो 2023 रॉयल रंबल मैच में सबसे ज़्यादा रेसलर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। ब्राउन स्ट्रोमैन WWE रॉयल रंबल मैच में छा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्राउन स्ट्रोमैन को किसी कारण से द मॉनिस्टर अमंग मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका 6.5 फीट से लंबा कद और करीब 150 किलो वजन है उन्हें एक खतरनाक रेसलर साबित करता है। उसमें ताकत की कोई कमी नहीं है, इसलिए अधिकांश रेसलर के लिए उन्हें अकेले दम पर एलिमिनेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको याद दिला दें कि इसी ताकत के दम पर उन्होंने ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में 13 सुपरस्टारों को एलिमिनेट कर एक रिकॉर्ड कायम किया था। वो मौजूदा रोस्टर में सबसे तगड़े सुपरस्टारों में से एक है, इसलिए संभव है कि खुद एलिमिनेट होने से पहले वो कई रेसलर को रिंग से बाहर धकेल चुके होंगे। इससे उन्हें रेसलमेनिया बिल्डअप में कोई अच्छी स्टोरी लाइन हासिल करने में भी मदद मिलेगी। बॉबी लेसले इस समय ब्रॉक लेसनर के साथ दुश्मनी के कारण चर्चाओं में घिरे हुए हैं। उनकी रॉयल रंबल मैच में एंट्री का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें संभव है कि लेसनर भी एंट्री लेकर द ऑलमाइटी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस प्रीमियम लाइव इवेंट में द हर्ट बिजनेस के रियूनियन की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेसनर के साथ दुश्मनी और द हर्ट बिजनेस का एंगल दर्शा रहा है कि रेसलमेनिया 39 के बिल्डअप में लेसले को बहुत मजबूत दिखाया जाएगा, इसलिए उन्हें मैच में सबसे ज़्यादा सुपरस्टार को एलिमिनेट करने के लिए बुक कर WWE उन्हें अच्छा मोमेंटम प्रदान कर सकती है। गुंथर, जी हाँ दोस्तों, गुंथर पिछले 230 से भी ज़्यादा दिनों से WWE ICC चैंपियन बने हुए हैं और ये अपने वादे अनुसार उन्हें इस चैंपियन को मजबूत दिखाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रॉयल रंबल 2023 में उनका चैंपियनशिप मैच बुक नहीं किया गया है, लेकिन वो रंबल मैच में अपनी दावेदारी पेश करते नजर आएंगे। जब एक चैंपियन सुपरस्टार रंबल मैच में एंट्री ले रहा हो तो जाहिर तौर पर उन्हें मजबूत दिखाया जाएगा। वहीं कुछ हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें रेसलमेनिया 39 में ब्रॉक लेसनर के संभावित प्रतिद्वंदियों में से एक माना जा रहा है। वो लंबे और तगड़े हैं और अपनी ताकत की मदद से कई सुपरस्टार को एलिमिनेट करने की काबिलियत रखते हैं। कोडी रोड्स उन सुपरस्टारों में से एक हैं जिन्हें 2023 मेंस रंबल मैच में जीत के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें रोमन रेंज के अगले संभावित चैलेंजर के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए रंबल मैच में उन्हें मजबूत दिखाया जाएगा। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि वो पहले स्थान पर एंट्री लेकर बहुत लंबे समय तक रिंग में डटे रह सकते हैं। उनका 40 मिनट या 50 या उससे भी ज़्यादा समय रिंग में बिताने का मतलब उनके हाथों कई रेसलर एलिमिनेट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।